सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे मंगलवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय परिसर पहुंचकर भाजपा संकल्प यात्रा की तैयारी का जायजा लिए। मौके पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि भ्रष्टाचार की अंतिम रणनीति जेल है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जब सोरेन परिवार को बुलाएगी तो हम यही कहेंगे कि वह जेल जाएंगे। झारखंड में पूर्व का इतिहास रहा है, यहाँ सीएम रहते मधुकोड़ा जेल गए, मंत्री रहते एनोसका हरि नारायण जेल गए, स्थानीय विधायक सह कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन का नाम लिए बगैर कहा कि यदि वह हाजी साहब के बेटे नहीं होते तो मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते, अगले चुनाव में इनकी जमानत जब्त होगी। वहीं डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि कार्यकर्ताओं और पूरी पार्टी ने संकल्प यात्रा को लेकर जोरदार तैयारी की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का यहां जोरदार स्वागत होगा। संकल्प यात्रा 17 अगस्त से शुरू हुई है, इसका काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। महागामा गोड्डा पोड़ैयाहाट ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जबरदस्त उत्साह देखा गया। बाबूलाल मरांडी झारखंड के ऐसे पहले नेता होंगे जो 81 विधानसभा क्षेत्र एक साथ कार्यक्रम बनाकर घूमने का फैसला लिए हैं। झारखंड में आज तक किसी नेता ने ऐसा नहीं किया। संकल्प यात्रा के दौरान वह कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, प्रखंड और जिला की समस्याओं को सुनते समझते हैं, भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले कार्यकर्ताओं की सूद लेते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच भी बड़े नेता के आने पर उत्साह दिखता है। मौके पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष संजय यादव, भाजपा जिला महामंत्री अधीर चंद्र भैया, भरतलाल भैया, देवता पांडे, सचिन रवानी, पप्पू यादव, महिला मोर्चा नेत्री सुनीता जायसवाल, प्रमोद विद्यार्थी राकेश वर्मा, मनोज रवानी समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं ने, पूरी पार्टी ने जो है जोरदार तैयारी की है। हम तो ऐसे ही केवल आज फुर्सत का दिन था तो हम देखने के लिए आ गए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने, पूरी पार्टी ने जोरदार तैयारी की है। बाबूलाल जी का जोरदार स्वागत होगा मधुपुर में, और जिस तरह से उनकी संकल्प यात्रा चालू हुई है 17 तारीख से, और जो उसका रिस्पॉन्स मैंने देखा, चाहे मैंने अपने यहाँ महागामा में देखा, गोड्डा में देखा, पोड़ैयाहाट में देखा, और यहाँ जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देख रहा हूँ मैं, आपको ये कह सकता हूँ एक तो पहले ऐसे नेता होंगे पूरे झारखंड में जिन्होंने कि 81 का 81 विधानसभा घूमने का फैसला किया। मैं नहीं कहता कि लोग नहीं घूमे, लेकिन एक साथ कार्यक्रम बना के अभी तक पूरे झारखंड में किसी नेता ने ये कार्यक्रम नहीं किया। दूसरा, जब आप इस कार्यक्रम में आते हैं और उनका काफी रिलैक्स प्रोग्राम है, वो कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं, यहाँ की समस्याओं से भी रूबरू होते हैं, तो एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पार्टी को है कि किस विधानसभा की क्या समस्या है, किस जिले की क्या समस्या है। और तीसरा, कार्यकर्ताओं को भी एक उत्साह आता है कि हम जो पिछले 3.5-4 साल से इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन किए हुए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो केस हुआ है, और उसमें कोई सूद-बूद लेने वाला जो है बड़ा नेता आता है, तो उस उत्साह का प्रदर्शन है। तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम मधुपुर में, वहाँ पता क्या हासिल करना है, वहाँ कोई मुकाबला ही नहीं, वहाँ हमारा मुकाबला जो है ओबीसी की पार्टी से। आपका एक बयान भाषण आया था सोरेन परिवार को जेल हाँ, तो FIR हुआ कि नहीं, किस बात के लिए FIR होगा, अमर्यादित बयान किया है। सोरेन परिवार ने हमारे ऊपर केस किया, सोरेन परिवार के ऊपर जो है लोगों ने केस किया, सोरेन परिवार को ईडी सीबीआई बुला रही है, इसमें कौन सा अमर्यादित बयान है। यदि किसी के ऊपर ईडी और सीबीआई का रेड होगा, किसी को बुलाया जाएगा, इनकम टैक्स इसको बुलाएगी, तो हम तो यही कहेंगे ना कि वो जेल जाएगा कि नहीं जेल जाएगा। इस झारखंड का इतिहास रहा है, मधुकोड़ा जेल नहीं गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, एनोसका नहीं गए हैं, हरि नारायण जी नहीं गए हैं, लोग गए हैं जेल, उसी तरह का इतिहास है, इसमें कौन सा बात है। जब आप किसी के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार का केस करेंगे तो उसकी अंतिम परिणति तो जेल ही है ना, इसमें कौन सा बात है। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक ज्यादा जो है उछूट निचूट करते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि यदि हाजी साहब के बेटे नहीं होते तो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। और अगला चुनाव जो है मैं आज आपको कह सकता हूँ, यदि जमानत जब्त नहीं हो गई तो फिर आप मुझे कहिएगा। विद्यापीठ गेट प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11 साइंस कॉमर्स एंड आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब